CTA या फिर कॉल टू एक्शन को राइट तरीके से किस टाइप से यूज करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर ड्राइव हो जाएं, या फिर पासवर्ड होने के बाद क्लिक करें, या फिर अपनी जो इंक्वायरीज है, फॉर्म है, कॉन्टेक्ट का फॉर्म है, या फिर जो भी आपका बुकिंग का बटन है राइट, उस पर क्लिक ज्यादा से ज्यादा है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ बेस्ट स्ट्रेटजीज हम फॉलो करते हैं। अगर आप अपना करियर कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो सिंपली दिए हुए नंबर पर कॉल करना है आपको और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करनी है। तो फर्स्ट, आपने काफी बार सुना होगा, इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। सो कॉल टू एक्शन का पर्पज ही यहाँ पे ये होता है कि हम यूजर कुछ करने के लिए कह रहे हैं, कुछ आस्क कर रहे हैं उनसे, ठीक है। तो अगर हम बटन्स लगाएंगे नहीं तो क्या होगा, यूजर एक्शन लेगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमको स्ट्रेटेजिकली कॉल टू एक्शन मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहिए अपने पेजेस के ऊपर, चाहे वेब पेज हो, चाहे लैंडिंग पेजेस हो, चाहे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स हो। मल्टीपल टाइम्स अगर हम यूज करेंगे और जहां पर हम ऑडियंस को पर्सुएड कर रहे हैं स्पेशली वहां पर हम यूज करेंगे तो ज्यादा क्लिक्स आने के चांसेस हो जाएंगे। तो अपनी कॉपी में ये चीज होनी चाहिए कि हम कॉल टू एक्शन को राइट तरीके से मल्टीपल टाइम्स यूज करें। तो कॉल टू एक्शन के कुछ एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में भी देखे थे, अभी कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लीज ऑर्डर, बाय नाउ, रजिस्टर नाउ, फ्री ट्रायल बुक करने के लिए, ये सारे जो कॉल टू एक्शन होते हैं इन पे हमको ज्यादा से क्लिक्स लाने होते हैं, क्योंकि लैंडिंग पेज इसलिए बना रहे हो कि आपको कुछ सेल करना है, कुछ मार्केटिंग करनी है, प्लस यूजर को स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए ड्राइव करना है, पर्सुएड करना है। पर्सनलाइज्ड सीटीएस भी होते हैं। पर्सनलाइज्ड सीटीएस मतलब जहां पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जिनसे आपको एक बेटर आइडिया होगा कि सीटीएस को भी हम पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डाउनलोड योर पर्सनल कॉपी। तो यूजर को सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो मेरे लिए पर्सनलाइज किया गया है। स्टार्ट माय फ्री ट्रायल, ये भी आपने कॉल टू एक्शन बटन पे देखा होगा। इनको हम कहते हैं पर्सनलाइज सीटीएस, मतलब यूजर के लिए थोड़ा और पर्सनलाइज करा चीजों को। तो इन पे और चांसेस ज्यादा होते हैं क्लिक्स आने के, ठीक है। गेट योर एक्सक्लूसिव डील, एक्सक्लूसिव मतलब लगता है कि सिर्फ वो मेरे लिए ही है। डाउनलोड नाउ फॉर फ्री, तो ये कुछ नो ऑब्लिगेशन वाले जो सीटीएस होते हैं, इनका भी अगर हम यूज करें तो अपनी सीटीएस पे ज्यादा क्लिक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। सीटीएस को और पावरफुल बनाने के लिए, उन पे ज्यादा क्लिक्स लाने के लिए कुछ और टिप्स हैं, अगर वो फॉलो करें तो अपने कह सकते हैं कि जितने भी यूजर्स आ रहे हैं उनमें कन्वर्जन रेट हम बूस्ट कर सकते हैं या फिर डबल भी कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल या टिप्स हम देखते हैं। फर्स्ट, 30 डे फ्री ट्रायल। तो 30 डे फ्री ट्रायल जब होता है तो यूजर को एक थोड़ा कह सकते कॉन्फिडेंस होता है कि 30 डेज के लिए तो फ्री ट्रायल है, मैं अगर इसको अच्छे से कॉन्फिडेंट हूँ उसके बाद ही मुझे पे करना है। तो 30 डे फ्री ट्रायल मतलब फ्री में 30 डेज यूज करने को मिलने वाला कोई प्रोडक्ट या सॉल्यूशन जो भी। देन सेकंड थिंग, आपने 30 डे फ्री ट्रायल जब भी बहुत सारे अगर ट्राई करा होगा तो वहाँ पे बहुत बार क्रेडिट कार्ड मांग लेता है। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स यूज करते हो तो फ्री ट्रायल के टाइम भी आपसे क्रेडिट कार्ड डिटेल मांगते हैं, और 30 डेज के बाद अगर आप स्किप कर जाते हो, भूल जाते हो वहाँ पे इसको स्टॉप करना या फिर पॉज करना या रिन्यू करना, तो क्या होता है, अपने आप डिडक्शन हो जाता है क्रेडिट कार्ड से। तो कुछ कंपनीज ये भी लिखती है 30 डे फ्री ट्रायल के नीचे कि नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड। तो इससे और कॉन्फिडेंस आता है यूजर के अंदर कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी नहीं भरनी है, मुझे कोई रिस्क ही नहीं है, मतलब रिस्क है ही नहीं, आराम से आप करो। अगर ट्राई बुक कर लिया और यूज नहीं भी करा, ट्राई नहीं भी करा तो भी कोई रिस्क नहीं है। सेकंड, 100% मनी बैक गारंटी। कोई सर्विस ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप वेब होस्टिंग पर परचेस करने गए कहीं से, वहाँ पे लिखा हुआ 30 डे मनी बैक गारंटी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपने ले लिया तो आपको एक और कॉन्फिडेंस आता है परचेस करने के अंदर। तो यूजर को जब परचेस करने में कॉन्फिडेंस होता है, रिस्क नहीं लगती, तो वहाँ पे कॉल टू एक्शन पे क्लिक्स आने के चांसेस या फिर कन्वर्जन रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन नो कॉस्ट EMI, ये भी एक अच्छा है, जिससे कि आप फॉर एग्जांपल कोई कॉस्टली सर्विस है आपकी, 15,000 20,000 से ऊपर की सर्विस है, तो यूजर एक बार में पे करना थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं लगता या फिर बड़ा अमाउंट लगता है उनको, तो आप क्या कर सकते हैं, नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यूजर को लगता है कि इंस्टॉलमेंट में मुझे पे करना है और इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा उनको रिस्क कम लगता है, प्लस किसी को यहाँ पे मनी की इश्यूज भी है, एक साथ उनको पे नहीं करना, तब भी उनके लिए आप कन्वर्जन रेट बूस्ट कर दिया, उनको भी अपना अपनी सर्विस सेल करने का चांसेस बढ़ा दिया। देन बुक योर फ्री क्लास, मतलब कोई फॉर एग्जांपल आप कोर्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, वहाँ पे लिखा हुआ है बुक योर फ्री क्लास, तो क्या हो गया कि आप वहाँ पे फ्री क्लास बुक कर रहे हो, वहाँ पे आपको कोई पेमेंट करने से पहले ही सब कुछ आप ट्रायल देख पा रहे हो। देन 2 डेज फ्री डेमो क्लासेस, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 डेज के लिए आप रजिस्टर कर लो, फ्री में आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, वहाँ पे क्लासेस में ट्रेनिंग ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, आपको बेटर लगता है, देन आपको एनरोल करना है या फिर आपको उस टाइम वहाँ पे पेमेंट करना है। तो इससे क्या हुआ कि जो फर्स्ट टाइम यूजर कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो अगर फ्री क्लासेस ले लेता है उसके बाद में कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको, और उसके बाद तो पेमेंट कर सकता है। तो कन्वर्जन रेट आपने इंक्वायरीज, लीड जनरेशन वाला पार्ट जो है अपना यहाँ पे बेटर कर लिया। देन गेट रेट ऑफ बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब क्या है, जब आप CTS पे यूजर क्लिक करता है तो उसके सामने कुछ ना कुछ इंक्वायरी करने के लिए या फॉर्म वगैरह आता है, तो जो फॉर्म आप वहाँ पे ऐड कर रहे हो अपने लैंडिंग पेजेस से या वेब पेजेस पे, वो शॉर्ट एंड क्रिस्पी, मतलब टू द पॉइंट जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है आपको जिन इन्फॉर्मेशन की, वही रखनी है, मिनिमम जितनी रख सकते हो वो बेटर है। देखो एक एग्जांपल दिया हमने कि फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंपनी नेम, वेबसाइट, जॉब टाइटल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, शू साइज, वेस्ट साइज, इस टाइप से अगर आप 100 चीज़ें उनसे पूछ लोगे ना, तो यूजर बढ़ते बढ़ते उनको टाइम वेस्ट हो जाएगा और उनको बोर होने लग जाएगा कि यार रहने तो इससे बेटर कि फॉर्म फिल नहीं करता हूं। तो जितने मिनिमम फील्ड्स रखने की कोशिश कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए एसेंशियल है वही आप उनसे फिलफिल कराओ, तो आपकी जो लीड जनरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, और फॉर्म इतना बड़ा देखने के बाद यूजर के पास सोचता है इंटरेस्ट नहीं, छोड़ो स्किप करते हैं, कभी और देखेंगे।
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बैरियर्स नहीं होना चाहिए कॉल टू एक्शन के ऊपर। देन अबाउट द फोल्ड सीटीज, अबाउट द फोल्ड सीटीज का मतलब कि जो आपकी वेबसाइट या वेब पेज है, लैंडिंग पेज भी है, तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे आप, फॉर एग्जांपल एक वेब पेज स्टार्टिंग है, हीरो पार्ट आ गया, मेन पार्ट, सेकंड आपने बता दिया कोई इन्फॉर्मेशन बता दी, थर्ड में आपने अबाउट द कंपनी बता दिया, फोर्थ में फॉर एग्जांपल आपने फीचर्स ऑफ बता दिया आपने, फिफ्थ पॉइंट में बेनिफिट्स दिखा दिया, सिक्स्थ में आपने टेस्टिमोनियल्स दिखा दिए, सेवन्थ में एफएक्यूज़ दिखा दिया। तो फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सेक्शन है तो फर्स्ट जो आपका फोल्ड है, फर्स्ट जो सेक्शन है आपके पेज का, उसमें ही आप एक ना सीटी, एटलीस्ट वन सीटी वहाँ पे रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अबाउट द फोल्ड सीटीज क्या होता है कि बहुत बार यूजर माइंड बना लेता है कि परचेज करना है, तो वहाँ पर ही उसको फर्स्ट फोल्ड में सीटीज मिल जाता है। और ये जो भी आपको सक्सेसफुल या फिर बड़ी वेबसाइट्स होगी, ब्रांड्स होगी, उनके प्रोडक्ट्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि अबाउट द फोल्ड सीटीज यूज करते हैं। और अबाउट द फोल्ड सीटीज इनको कहते क्यों है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स भी आप देखोगे ना, तो फ्रंट पेज पर अगर मान लेता हूँ कि कोई कंपनी उसने फुल एडवर्टीजमेंट करा है, तो अगर न्यूज़पेपर जब आपने देखा होगा आता है तो फोल्ड होकर आता है, तो फर्स्ट पार्ट जो है, हाफ पार्ट है, वही आपको शो होता है। तो न्यूज़पेपर कंपनीज क्या करती है कि फर्स्ट पार्ट में ही अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वहाँ पे कन्वे करके रखती है, हेडिंग, हेडलाइन वगैरह जो है, ताकि फोल्ड हो तब भी उसको यूजर को हेडलाइन दिखे, ओपन करने के बाद सारे डिटेल्स मिल जाए। तो आपको अबाउट द फोल्ड सीटीएस ऐड करना है। तो उसके एग्जांपल देखते हैं हम कुछ और, जैसे मैं आईबीएम की एक वेबसाइट, आईबीएम वॉटसन सॉल्यूशन है, उसका ओपन कर लेता हूँ। देन एक माइक्रोसॉफ्ट का भी कोई एग्जांपल, जो अच्छी ब्रांड्स हैं उनका भी देखते हैं, और एसएमबीज का भी हम देखते हैं। ओके, जैसे हमने आईबीएम वॉटसन की वेबसाइट ओपन करी है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट फोल्ड है जिसके अंदर पूरा एनिमेशन या जो भी इनको इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी थी वो करी, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, चैट विद एन आईबीएम एक्सपर्ट, जो फर्स्ट फोल्ड है उसके अंदर ही कॉल टू एक्शन है। जैन हम माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अज्योर का सॉल्यूशन ओपन करा हमने, तो वहाँ पर पावर योर मिशन देन टू कॉल टू एक्शन, गेट स्टार्टेड, ट्राई अज्योर फॉर फ्री, ठीक है। तो फर्स्ट फोल्ड के अंदर ही हमने कॉल टू एक्शन का यूज देखा। देन जैसे हम डब्ल्यूएस क्यूबटेक की वेबसाइट देखते हैं, तो होम पेज पे भी फर्स्ट जो वहाँ पे सेक्शन है, फर्स्ट फोल्ड है, वहाँ पर टू कॉल टू एक्शन, एक्सप्लोर ऑल कोर्सेज एंड बुक फ्री क्लास। एंड इंडिविजुअल हम कोई पेज ओपन करते हैं सर्विस का, फॉर एग्जांपल फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स का, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फोल्ड के अंदर ही बुक फ्री क्लास एंड डाउनलोड करिकुलम, दो कॉल टू एक्शन ऐड करें, तो यूजर कुछ एक्शन लेने के लिए वहाँ पर कह सकते हैं कि पर्सुएड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन ब्लू होस्ट, गो डैडी, इनकी वेबसाइट भी देखोगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू होस्ट का ही यहाँ पे वर्डप्रेस का पेज ओपन किया है, तो यहाँ फर्स्ट फोल्ड के अंदर ही सी प्लान डिटेल्स कॉल टू एक्शन है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट फोल्ड है आपका, वहाँ पर एटलीस्ट एक कॉल टू एक्शन, एटलीस्ट वन कॉल टू एक्शन होना चाहिए, और मैक्सिमम दो। ज़्यादातर ज़्यादा कॉल टू एक्शन होगा तो यूजर कंफ्यूज हो जाता है कि किस पे क्लिक करूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अबाउट द फोल्ड सीटीज अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अच्छी ब्रांड्स का भी हमने एग्जांपल देखा कि कैसे वो यूज़ करती है। तो सीटीएस की कुछ ये ट्रिक थी जिनको हम कर सकते हैं यूज़, और रिस्क एलिमिनेट करना, और कह सकते हैं कि पर्सनलाइज करना, अगर ये सब चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो अपनी सीटीएस पे क्लिक्स आने के चांसेस, लीड जनरेशन के, सेल्स बूस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू।